माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। दो बहुत मनोरंजक घटनाएं अपने जीवन की मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। जब बाल्यकाल था तो स्कूल में बच्चे बैठ के कहानियां सुनाते थे, तो उसमें से एक बच्चा मुझे ध्यान है जो हमें बताता था कि हमारे घर गांव में उड़ने वाली चुड़ैलें होती हैं, ठीक है। और बाद में किसी औघड़ के मुंह से मैंने सुना कि कुछ चुड़ैलें ऐसे भी होती हैं जो गाछ हाँकती हैं। पहले सिर्फ डाइनो के बारे में सुना था, तो मुझे ये सब मिथ्या और बकवास लगता था कि चुड़ैल जैसी कुछ होती है और इतनी सहज होती है, ये तो मानने की बात ही नहीं थी। ये सत्य है कि हमारे आसपास बहुत सारे जीव रहते हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उतना ही देख पाते हैं जितना हमारा आँख हमको दिखाता है। लेकिन उससे परे भी दुनिया है जो हमारे आँख के परसेप्शन से ज़्यादा तेज चलती हो, ज़्यादा धीरे चलती हो, या जो तीन डायमेंशन हम देखते हैं, जो सात रंग हम देखते हैं उससे अलग हो। तो इसीलिए किसी चीज को ये कह देना कि ये नहीं है वो तो गलत होगा, लेकिन इतनी सहजता से मिल जाए ये भी मतलब मानना मुश्किल था, जब तक खुद के साथ घटित ना हो। तो घटना ऐसी हुई कि हम एक औघड़ से कुछ विद्या सीखने के लिए रेगुलर उनके संपर्क में रहते थे। तो एक रात उन्होंने बुलाया, उन्होंने बोला कि हमारे एक गुरुजी आ रहा है बंगाल से जो कि उच्चाटन में एक्सपर्ट हैं, तो आज रात वो हवन करेंगे और हम लोग सब उसका आनंद लेंगे। तो मैं उनके घर एकदम शाम होते होते पहुंच गया, शाम के बाद रात्रि वेला में हम लोग सब जो है स्मशान निकल गए। तो मुझे लगा था कि शायद एक दो लोग होंगे, लेकिन करीब हम लोग 14-15 लोग थे। जब 7 बजे पहुंचा, 9 बजते लोगों की भीड़ हुई, तो उनके घर में दो छोटा छोटा कमरा 10x10 का अंदर परिवार था, एक कमरे में हम लोग सब भरे पड़े थे। जो उनके गुरुजी थे वो बैठ के शराब पी रहे थे, मुंह में एक भी दांत नहीं, एक दांत था शायद, और बैठ करके मजाक मस्ती कर रहे थे। अचानक वो उठे 10:30 बजे, बोले चलो अब मसान चलते हैं। मसान गया, वहाँ पे पूरा रंगोली बना करके उसके बाद ये हवन वो हवन, साड़ी डालना, चुंदरी डालना, जो भी है जो उनका भक्ति मार्ग था उससे उन्होंने हवन किया। हवन करके उसका जितना शराब चढ़ा था सब पीना भी था, तो सब पीते पीते सबको मतलब 2:30 बज गया करीब। 2:30 बजे हम लोग लौट करके फिर इन औघड़ महाराज के घर आए। अब 10x10 का कमरा, 14 लोग, तो हम लोगों को वो रख तो नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि चुपचाप जाकर के अपने घर का पट लगा लिया। अब हम सभी लोग बाहर बैठे हुए हैं, रात के 2:30 बज रहे हैं, एक पेड़ के नीचे जो बूढ़े बाबा हमारे साथ थे, वो ऐसे भी इतना उन्होंने शराब पी लिया था, वो आउट ही थे, उनको कोई अंतर नहीं पड़ रहा था वो कहाँ सोए हुए। अब हम लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि पहला सूर्य उदय हो, पहली किरण सूर्य की आए और हम लोग वहां से निकल जाए। लेकिन जैसे सूर्योदय हुआ, हम लोगों ने एक बहुत विचित्र घटना देखा। क्या देखा हम लोगों ने? हम लोगों ने देखा कि सामने एक फूल का पेड़ है, ठीक है, और वहां पर लाल वस्त्र में और जैसा दूर से प्रतीत हो रहा था, एक प्रेग्नेंट औरत फूल तोड़ रही है, ठीक है। एक को दिखा तो मैं बैठ के अपना देख रहा हूँ कि हाँ हाँ तोड़ रही है फूल। बहुत लोग सूर्योदय पे फूल तोड़ते हैं, क्योंकि सब लोगों में लड़ाई हो जाती है कि किसके पास फूल जाएगा, तो जो सबसे पहले
उठता है, वो कोशिश करता है औरों से पहले वो फूल तोड़ दे। मुझे लगा वही कुछ होगा हिसाब। अचानक मुझे लगा ना कि मुझे कुछ भ्रांति होने लगी। मुझे लगा कि वो औरत एक तरफ से फूल तोड़ के गायब हो जा रही है और दूसरे तरफ चली जा रही है। फिर दूसरे तरफ फूल तोड़ करके वो थोड़े देर के लिए गायब हो जाती थी, फिर तीसरे तरफ आती थी। मतलब वो गोल गोल पेड़ के चारों तरफ ऐसे करतब दिखा रही थी। वो मुझे लगा कि हो सकता है कि मैं सोया नहीं हूं आज रात में, इस कारण से मुझे ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है। लेकिन जब 2 3 4 5 मिनट मान लो मैंने उनको एकदम गौर से देखा कि नहीं, ये चल के तो नहीं जा रही है एक फूल से दूसरे फूल तक, ये तो पक्का एक जगह से दूसरे जगह गायब हो रही है, हाथ में फूल डाली है। तो मेरे बगल में एक सज्जन बैठे थे, उनको बोला आप कुछ देख रहे हो क्या? तो वो बोलता है मैं भी बहुत देर से यही देख रहा हूं, ये औरत गायब हो रही है बार बार। अब थोड़ी हम लोगों की सीटी गुम हो गई थी। अब हम लोग 2 3 लोग बैठ करके देख रहे हैं कि वो औरत लाल वस्त्र में और वो एक जगह से फूल तोड़ती, वहां से गायब हो जाती, दूसरे जगह फिर पीछे दिखती उस पेड़ के, फिर फूल तोड़ती, फिर गायब हो जाती। और हम में और उसमें कितना डिस्टेंस था? 20 फीट के आसपास का, 20 नहीं, हाँ 20 25 फीट का अंतर था हम लोगों में। बीच में खुला मैदान और उस तरफ वो पेड़, इस तरफ के पेड़ पे हम बैठे हैं। जब समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, तो हमने जो बूढ़े बाबा थे, जो गुरु महाराज थे, उनको उठाया। गुरु महाराज उठे, पहले तो 2 मिनट उनको कुछ दिखाई नहीं, फिर बड़े गौर से उन्होंने देखा तो उन्हें भी एक खेल समझ में आ गया। उन्होंने बोला ये तो चुड़ीन है, वो अपनी भाषा में बोले चुड़ीन है, चुड़ैल नहीं, चुड़ीन है। और वो बहुत मतलब बड़े खुश थे देख के, वाह कि क्या सुबह सुबह दृश्य दिखा। अब जब उन्होंने कंफर्म कर दिया हमारी औला तो और खराब, शुरुआत था उस समय तो उन्होंने चुड़ीन है। तो हमने बोला कि अब तो गुरु महाराज अब कुछ ओम फट दूर हट कुछ करेंगे। लेकिन इन्होंने बोला कि चलो अब इसको दौड़ा के पकड़ो जल्दी, है ना, इसको पकड़ के क्या ऐसे ही थोड़ी पकड़ लोगे, मंत्र से पकड़ लोगे? बोले नहीं, इसको दौड़ के पकड़ो। अरे पकड़ के होगा क्या? बोला मैं शादी करूंगा इससे। और वो 80 साल का बूढ़ा पूरे वेग में दौड़ गया, ठीक है। और जब हम इधर से दौड़े ना, तो वो औरत जो थी वो वापस जाने लगी, मतलब वो पेड़ के पास दिखी, फिर कॉर्नर पे दिखी, ठीक है। और जब हम उस कॉर्नर पे पहुंचे तो वो हमें दिख रही है चलती हुई चलती हुई चलती हुई। जब वो कॉर्नर पे पहुंची तो वो अंतर ध्यान हो गई, गायब। हम लोग दौड़ के उस कॉर्नर पे पहुंचे, वहां एक ग्वाला दूध दुह रहा था। तो उससे हमने पूछा कि भैया यहाँ से अभी एक औरत गई, वो लेफ्ट गई कि राइट गई? तो क्या बकवास करो, मैं अकेले दूध दुह रहा हूँ, अभी यहाँ पर कोई नहीं आया। वो मेरे जीवन का पहला इंसिडेंट था जहां मैंने एक चुड़ैल को देखा। दूसरी घटना का मैं एक अप्रत्यक्ष गवाह हूँ। अप्रत्यक्ष गवाह क्योंकि उस घटना को घटते हुए मैंने नहीं देखा था, लेकिन उस घटना में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मेरी थी। एक अघोरी था, वो अभी भी है, एक अघोरी है, और उसका काम है माउटी करना। माउटी करने का मतलब तो मैंने बताया, ट्रिक करना। ट्रिक करके आपको दिखा देगा कि जमीन से खजाना निकल गया, ये खजाना तुम्हारा हुआ, अब इस खजाने को शुद्ध कर लो, उसमें 2 लाख की बूटी लगेगी, ये सब जो होता है। एक बार उसने क्या किया कि एक बड़े सिद्ध गुरु के गुफा में वो अपने क्लाइंट को ले गया। अब देखो गुफा जो होता है ना, वो पूरे वीराने में होता है। अच्छा, ये जो औघड़ है ये खाली नहीं है, मतलब इसका शक्तियां हैं, इसकी शक्तियां हमने देख रखी हैं, ये अच्छे अच्छे चमत्कार करता है। लेकिन वो चमत्कार अपने लोगों के लिए है, मतलब वो अपने गुरु भाइयों के साथ, जो साधक है उनके साथ वो कुछ कुछ चमत्कार करेगा, हंसी मजाक करेगा, ठिठोली करेगा, लेकिन एक आम जनमानस के लिए वो बहुत कुछ करता नहीं। और ये जो पैसे ये माउटी करके कमाता है, ये भी साधकों में बांट देता है, ठीक है। लेकिन एक बार इसको लेने का देना पड़ गया। क्या हुआ कि ये जब उस सिद्ध व्यक्ति के गुफा पर गया, इसको पता था कि वो जो सिद्ध गुरु हैं वो अभी गुफा पर नहीं है, ठीक है। और उनके गुफा का काफी नाम था,
काफी शक्तिशाली गुफा उसको माना जाता है। तो जब इन इसने कुछ लोगों को बोला कि वहां चलो, वहां आपको धनार्जन का मैं मार्ग दूंगा, तो अगले इसके पीछे पीछे लग गए। फिर गाड़ी लगाई बीच जंगल में, उनको डर हुआ कि गाड़ी चोरी हो जाएगी, तो इसने गाड़ी को अदृश्य कर दिया। मतलब ऐसा बोला गया, मतलब मैं प्रत्यक्ष नहीं हूं कि गाड़ी अदृश्य हुई थी, लेकिन ऐसा उनको बताया गया कि आपकी गाड़ी अब किसी को नहीं दिखेगी। उसके बाद ये लोग जंगल में चलते गए चलते गए और एक गुफा के पास पहुंचे, जो बहुत सिद्ध गुरु का गुफा है। वहां पर इसको जो खेल करना था किया, जो लोग थे उनको इसने जो सामग्री देनी थी दे दी, बोले आज से तुम अमीर हो गए। और ये भी खुश क्योंकि इसने माउटी की थी, इसको भी 2-3 लाख रुपए मिले ही होंगे। जो लोग बेवकूफ बन के वहां से लौट रहे थे, वो लोग गाड़ी तक पहुंचते करीब करीब 25 बार गिरे। उनको नहीं समझ में आ रहा था, मतलब आते टाइम तो ठीक ही वो चल रहे थे, कोई पत्थर नहीं कुछ नहीं, लौटते टाइम में ले पटक ले पटक। और फिर भी वो लोग किसी तरीके से हिम्मत करके वहां से गाड़ी लेके निकल गए। कहानी यहां समाप्त नहीं, वहां से शुरू हुई। इस औघड़ ने बोला था कि जब तुम लोग घर पहुंच जाओगे तो मुझे फोन करना, लेकिन जब ये 2-3 घंटे के रास्ते के बाद घर पहुंचे तो ये औघड़ फोन ही नहीं उठा रहा था। इनको लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्या हुआ नहीं हुआ। बाद में इनके नंबर पर उस औघड़ का फोन आया, लेकिन फोन किसी और ने किया था। फोन करने वाला इसका मित्र था, जिसको जो आते जाते इसके साथ रहता था, उसने बताया कि इस व्यक्ति के मुंह से सिर्फ खून निकल रहा है, मतलब वो वोमिट सिर्फ खून कर रहा है और खून उसका रुक ही नहीं रहा है। अगला फोन इसी के कहने पे उसने मुझे किया कि किसी तरीके से इसके मुंह का खून रोको, ये किसी तांत्रिक प्रभाव में पड़ गया लगता है, कहीं किसी बंधन में ये फंस गया है और इसका अब मृत्यु तय हो गया है। तो जो अपने गुरु परिवार से मिली हुई शक्तियां थी, जो भगवती की मेरी शक्तियां थी, उससे मैंने इसका फिर बंधन किया तो इसका खून रुका। लेकिन जितने देर में ये प्रक्रिया चला था, उतने देर में इसके शरीर का मैक्सिमम खून निकल चुका था। किसी तरीके से इसको लाद करके फिर हॉस्पिटल लेके चले गए और हॉस्पिटल में इसका इलाज चलता रहा निरंतर। 7 दिन हुए, 14 दिन हुए, मतलब सप्ताह सप्ताह बीत रहा है। हम लोग अपना हवन और जो भी है क्रियाएं कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये कोई भी दैविक शक्ति ने उसको बांध रखा था, लेकिन जो तबीयत तो उसकी खराब हो रही थी वो ठीक ही नहीं हो रही थी किसी भी प्रक्रिया से। जब तंत्र मंत्र यंत्र से तबीयत खराब होती है तो उसको साधना से ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके केस में साधना से ये ठीक ही ना हो, और मेडिकल साइंस ने हाथ उठा दिया कि इसमें कोई खराबी ही नहीं है, इसको क्या ठीक करे। और धीरे धीरे रोज रोज ये मृत्युशैया पे बढ़ता चला गया। अंतोगत्वा इसने बताया कि ये सिद्ध गुरु के आश्रम जो गुफा था वहां बिना इजाजत के गया था और ऐसा ऐसा इसने गलत काम वहां किया। माफी मांगते हुए उस सिद्ध गुरु से हमने फिर बात किया। वो सिद्ध गुरु कहीं और थे, उनको सारे विषय की जानकारी थी, बस उनको इंतजार था कि कोई माफी तो मांगे क्योंकि गलती तो हो गई है। तब उन्होंने बताया कि गुफा के सामने जो पेड़ है, ठीक है, उस पेड़ पर इन्होंने एक चुड़ैल बैठा रखा है अपना, और उस शक्ति का काम है उस क्षेत्र को बंधन करना। तो मैंने बोला कि गुरु महाराज ये तो गलत है, क्योंकि अगर उस गुफा में कोई भी आए जाए, अगर नहीं जानता है कोई व्यक्ति घुस जाए तो उसके साथ उसका यही दुर्गति होगा। तो बोला ऐसा नहीं होता है, उस गुफा में बंधन लगाने का कारण है कि बहुत सारे पीड़ित लोग आते हैं जो भूत के परेशानी में है, प्रेत के परेशानी में है, जिन के परेशानी में है, काले जादू से पीड़ित हैं, तो उन सबों का उतारा किया जाता है और जो भी शक्ति उनमें रहती है उस शक्ति को वहां छोड़ दिया जाता है उस गुफा के आसपास। वो जो आसपास का मैदान है, उस मैदान का क्षेत्र बंधन इस चुड़ैल के हाथ में है। तो इनका काम है कि किसी भी शक्ति को उस क्षेत्र से ना निकलने दे, ताकि मनुष्यों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो मैंने बोला फिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो बताया कि जब ये माउटी करता है,
तो ये तो शक्तिशाली माउटी करता है, ये आम माउटी नहीं करता है कि किसी केमिकल का खेल इसने दिखा दिया या फिर इसने किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जो है माउटी किया, ऐसा नहीं करता है। ये सचमुच शक्तियों को का आवाहन करके माउटी करता है, और ये जो माउटी करता है वो स्थिर भी हो सकता है, ये ट्रिक नहीं हो करके ये सच्चाई भी हो सकती है लोगों के लिए, लेकिन ये चाहता नहीं ऐसा करना। तो क्षेत्र बंधन होते हुए इसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस क्षेत्र में जहां किसी भी पराशक्ति का प्रवेश वर्जित है वहां पराशक्ति का प्रवेश कराया था, इसीलिए चुड़ैल नाराज हुई और इसकी ये दुर्गति की। तो अब क्या उपाय? तो फिर गुरु महाराज ने पूरा एक उपाय बताया, फिर स्थान पर गए, उस पेड़ के पास गए, वहां बलि दिया, वहां साजो श्रृंगार का सारा सामान उससे दिलवाया और कारण दिया, तब जा करके वो ठीक हुए। तो जो तंत्र में विशारद हासिल कर लेते हैं, जो सोचते हैं कि उनको बहुत तांत्रिक शक्तियां मिल गई हैं, ठीक है, उनके लिए ये कथा बड़ी रोचक है, क्योंकि इतना बड़ा साधक जो किसी के क्षेत्र बंधन में शक्तियों को उतार दे, वो एक निम्न स्तर के शक्ति से ऐसे परास्त हुआ कि वो मरणासन्न हो गया। ठीक है, हमारे आसपास ना जाने कितने ऐसी शक्तियां हैं जो घूमती रहती हैं, जिनको आपसे कोई मतलब नहीं है तब तक जब तक आप उसे छेड़े ना, और आप छेड़ेंगे तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए साधना क्षेत्र में, आध्यात्म के इस क्षेत्र में जितना आए उतना करो, उससे ज्यादा मत करो, किताब पढ़ के मत करो, लालच में मत करो, और कभी भी किसी पराशक्ति के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कभी नहीं करनी चाहिए। तो इन दोनों कहानी से क्या पता चलता है? एक तो चुड़ैलें होती हैं, दूसरी चुड़ैलों से पंगा नहीं लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। यहाँ पर जो शुरुआती आयाम है जैसे आसन मंत्र, बंधन मंत्र, ये सब हम बताते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है, इसको आप ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें रुद्रनाथ TM4 सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उस पर आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट का जो दूसरा विधान है वो www.agrotantrahasya.com पर दिया हुआ, व्हाट्सएप के जरिए आप मुझसे माँ भगवती महाकाली और भैरव बाबा आप सभी को सुरक्षित रखते हैं, मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश।